नमो नमः, अहम गीता नालंदाता द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आज मैं लेकर के हाजिर हूँ सप्तमी कक्षा के संस्कृत में पाठ द्वितीय। इसमें है कुरमा शशक कथा। कछुए और खरगोश की कहानी है। ये पंचतंत्र से ली गई है। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि अगर कमजोर से कमजोर भी बालक है या छात्र है, वो दृढ़ निश्चय कर ले कि हमको सफल होना है, तो निरंतर परिश्रम करने से वो सफल हो जाता है। इस कहानी में भी कहा गया है कि कछुआ और खरहा थे, दोनों बहुत ही में गाढ़ी मित्रता हो गई थी और दोनों एक बार निश्चय करते हैं कि इस वन के उपांते मतलब दूसरे छोर पर जाया जाए और जो पहले जाएगा वहां पहुंचेगा वही विजयी होगा। तो कछुआ कहता है कि हम पहले पहुंचेंगे। खरगोश कहता है, हंसता है उस पर, कहता तुम तो धीरे धीरे चलते हो, तुम कैसे पहुंच सकते हो। पहुंचूंगा तो मैं, जीतूंगा तो मैं, क्योंकि मैं तेज चलता हूँ और तेज भागता हूँ। कहीं कहीं खरगोश में घमंड हो जाता है और जब प्रतिस्पर्धा होती है तो कछुआ धीरे 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 निरंतर लगातार चलते रहता है और खरगोश जो होता है वो तेजी से दौड़ता है और बीच में जा करके वो एक बरगद का पेड़ देखता है, बहुत बड़ा वृक्ष रहता है, उसकी छांव के नीचे ठंडे ठंडे बोलता है, कछुआ तो नजर नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे आता है जब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और वो सो जाता है और उसे इतनी अच्छी नींद आती है कि वो देर तक सोता रहता है जब तक कि कछुआ वहाँ पहुँच जाता है। और जब इसकी नींद खुलती है, ये तेजी से भागता है और देखता है कि वहाँ जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँचता है, तो देखता है कछुआ पहले से पहुँचा हुआ है। तो खरगोश लज्जित होता है, कहीं कहीं इसके है तो बहुत तेज, लेकिन कहीं कहीं इसके अहंकार आने के कारण ये कछुआ हार जाता है। तो इस कहानी में भी यही बताया गया है कि जब अगर कमजोर विद्यार्थी भी है तो लगातार परिश्रम करता है तो सफल हो जाता है। तो देखते हैं इस कहानी को। कुरमा शशक कथा। कुरम मने कछुआ, शशक मने खरहा और कथा मने कहानी, यानी कछुए और खरगोश की कहानी। चंपारण्य सरोवरे एक कुरमा निवासति स्म। चंपारण्य सरोवरे एक कुरमा निवासति स्म। चंपारण्य, यहाँ संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है, तो चंपा जोड़ अरण्य, चंपारण्य, चंपा नाम के वन में सरोवर के किनारे एक सरोवरे, चंपारण्य, चंपारण्य वन में, जंगल में, सरोवर में, तालाब में एक कछुआ रहता था। निवासति स्म, इसमें लंग लकार का ई हुआ है, माने भूतकाल की इसमें बातें आई है। निवासति स्म, रहता था। तस्य मित्रता शशकेन अभवत। उसकी मित्रता जो होती है एक खरहे से होती है, अभवत हुई। तौ सर्वदा एकत्र स्थितवा नाना कथा कथयता। तौ मने वे दोनों सर्वदा सदा ही एकत्र, जब भी वो दोनों मिलते और सदा मिलकर के स्थितवा नाना कथा यानी विभिन्न प्रकार की कथा कहानी कहते। परस्पर अलापेना, परस्पर मने हमेशा लगातार, अलापेना मिलने से तयो मित्रता दृढ़ा जाता, उनकी गाढ़ी मित्रता हो गई। एकदा तौ विचारम कृतवन्तौ, एक बार दोनों ने विचार किए। कृतवन्तौ द्विवचन का ये है। तो यत वनस्य उपान्ते गन्तव्यम्, यहाँ तब्यत प्रत्यय, गम धातु है, तब्यत प्रत्यय है, तब्यत का होना प्रत्यय का ही अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। तो कहता एकदा तौ विचारम कृतवन्तौ, एक बार दोनों ने विचार किया। यत्य वनस्य उपान्ते गन्तव्यम्, वन की दूसरी छोर पर किनारे पर जाना चाहिए। आवयो मध्य कह तत्र प्रथमम गच्छेत, हम दोनों, आवयो, आवयो होता है हम दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, मध्य हम दोनों में देखते हैं कौन वहाँ पहले जाता है। गच्छेत मने पहुंचता है। कुरमा अकथ्यत, कछुआ कहता है अहम एव तत्र प्रथमम गमिष्यामि, कछुआ कहता है मैं ही पहले वहां जाऊंगा। शशक आहसत, खरहा हसा। त्वं तु शनै शनै चलसि, तुम तो धीरे धीरे चलते हो, तो कथम तत्र प्रथम गमिष्यसि, कैसे तुम वहां पहले जाओगे। अहमेव तत्र प्रथमं प्राप्स्यामि, अहमेव, अहम जोड़ एव,
मैं ही वहां पहले पहुंचूंगा जाऊंगा प्राप्स्यामि। कुरमः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत। कछुआ जो है नियम का पालक था और सदा परिश्रमी था, हमेशा परिश्रम करता था और लगातार करता था, परिश्रम को वो बीच में रोकता नहीं था। सह शनै शनै किंतु निरंतरम चलिता। वो क्या हुआ, कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है और लगातार निरंतर मतलब लगातार चलता है। सस्कह दीर्घ कालम मार्गे विरम्य पुनः तीव्र गत्या अचलत। कछुआ जो है दीर्घ काल तक लंबे समय तक मार्गे रास्ते में विरम्य आराम करके पुनः फिर दोबारा से तीव्र गत्या अचलत। दोबारा वो बहुत ही तेजी गति से अचलत चला। कछुआ जो है धीरे धीरे लेकिन लगातार बिना रुके चलता रहा और खरहा जो है दीर्घ काल से लंबे समय तक आराम मार्गे मने रास्ते में विरम में आराम करके पुनः तेजी गति से चला। यदा स वनस्य उपांतम प्राप्तवान। यदा स का कछुआ ससका, यदा स यहाँ आया है खरे के लिए, ससका के लिए। जब वह खरहा बन के उपांतम उस छोर पर जाता है प्राप्तवान प्राप्त मने पहुंचा, तदा तब देखता है वहां अपश्यत देखा यत कुरमा पूर्वमेव तत्र अवस्थित। कछुआ वहां पहले से ही अवस्थित है। सस कह लज्जित जाता, खरहा जो होता है लज्जित होता है। सत्यम उक्तम, यहाँ सत्य ही कहा गया है, सत्यम उक्तम सत्य ही कहा गया है। निरंतरम श्रमेना असंभवम अपि कार्यम संभवति। यहाँ एक बार फिर से देखिएगा, निरंतरम श्रमेना असंभवम अपि कार्यम संभवति, यानी कि निरंतर परिश्रम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य असंभव है, सभी कार्य संभव है। हमको लगातार उसके लिए मेहनत करनी है, परिश्रम करनी है। क्वा क्वा माने कहाँ, कुरमस्या मंथर गति, कहाँ कछुए की धीरी चाल धीमी चाल, क्वा सस्कस्य तीव्र गति, कहाँ कछुए की तेजी चाल तेज गति। किंतु कुरमः निरंतरम कार्येन विजयी अभवत्। किंतु लेकिन कुरमा कछुआ जो है निरंतर कार्य करने से विजयी अभवत। तो बच्चों आपके लिए यहाँ बताया गया है कि कोई भी अगर कमजोर है तो न समझें कि हम इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप धीरे धीरे लगातार परिश्रम करते रहेंगे, आप जरूर सफल हो जाओगे। ये कहानी का यही सारांश है, यही इसका कहने का अर्थ है। इस कहानी का हर एक नीति की कथा होती है, जो भी यहाँ दिया जाता है, जो भी कहानी दिया जाता है उसका एक आशय होता है, उसका एक कहा गया उसमें कहा जाता है, हर एक का उससे सीख मिलती है। तो यहाँ यही सीख मिलती है कि लगातार परिश्रम करने से, लगातार श्रम करने से हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। और पंचतंत्र में कहा भी गया है, पहले प्राचीन काल की रचना है तो पंचतंत्र में पशु पक्षियों के नीतिगत बातें को लेकर के पशु पक्षियों को पात्र बना करके उसमें पंचतंत्र में कहानियों की रचना की गई है, और कहीं न कहीं मानव जीवन के लिए बहुत सार्थक भी है और मनोरंजन भी करते हैं। तो पंचतंत्र की जो कहानियां होती हैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियां रहती हैं और नीति परक कहानियां रहते हैं। तो बच्चों लगातार परिश्रम करिए और लगातार करें और उसमें रुकावट न दें तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। धन्यवाद। नमो।